Kids, I'm back again with my new video. In this new video, I'll explain you about the new chapter, that is our national symbol. Okay, so we know that our country has several national symbols. Okay, this includes the national flags, okay, national flags, national anthems, and national emblems. So these are the three we can say that these are the national symbol of our country, India. Okay, so coming to the national flag, so our national flag is rectangular in shape. It has tricolors, we can say. The first one is orange, the middle portion is yellow, and the bottom one is saffron green. Okay, and saffron comes from the top by the white, and means we can say that saffron is on the top of the side, white is in the middle, and the green color is in the bottom. Okay, and saffron stands for strength and courage, we can say. And we can say that white color stands for peace and purity, and the green color stands for fertility and growth. So every color has its own indication. Jo orange color hai wo hame prosperity batata hai and progress batata hai, the white color peace batata hai, and the green color depicts fertility, that is evergreen we can see in our area. Okay, now moving forward, we can say that there is a chakra wheel in between. Okay, and it has 24 spokes. How many spokes it has? 24 spokes in it. Okay, so we can say that we have to follow certain circumstances during hoisting the national flag. The national flag can be flown only during sunrise to sunset. Okay, so generally wo kitne duration tak ke liye wo hum usko flown karte hain? Sunrise se leke sunset tak. Sunset, before sunset hum usko utar lete hain. The second one is, national flag must be unfurled upon the top of the मस्ट. ओके, सो मतलब कि नेशनल फ्लैग को हमें कैसे होस्ट करना चाहिए, वो सबसे टॉप में रहना चाहिए. द थर्ड इज, सैफ्रन कलर शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप. जो सैफ्रन कलर है उसमें मतलब मीन्स सैफ्रन कलर मीन्स जो ऑरेंज कलर है, दैट शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप, वो सबसे ऊपर में रहना चाहिए हमेशा. द नेक्स्ट वन इज, द नेशनल फ्लैग ऑलवेज बी कैरिड इन फ्रंट इन अ प्रोसेशन. ठीक है, तो नेशनल फ्लैग को हमेशा हम इन फ्रंट कैरी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कभी भी कहीं पीछे हम उसको होस्ट कर देंगे, वैसा नहीं, हम हमेशा उसको अहेड रख के उसको होस्ट करते हैं. द नेक्स्ट वन इज, वी मस्ट नॉट होस्ट अ डर्टी और अ टोन फ्लैग. ठीक है, हमें होस्ट डर्टी और अ टोन फ्लैग मीन्स हमें कभी भी अगर किसी भी फ्लैग में डर्ट लग गई है, गंदगी हो गई है, प्लस वी कैन से लाइक कहीं से वो टोन हो गया है, ठीक है, उसमें कुछ डैमेजेस हो गए, तो हम कभी भी वैसे फ्लैग को होस्ट नहीं करते हैं. द नेक्स्ट वन इज, नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी कैरिड ओवर राइट शोल्डर. और उसको हमेशा किस साइड से कैरी करना चाहिए? हमेशा राइट शोल्डर साइड से उसको कैरी करना चाहिए. ओके, व्हेनेवर द नेशनल फ्लैग इज बीइंग होस्टेड, वी मस्ट स्टैंड एन अटेंशन एंड सल्यूट. जब भी नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाए तो डेफिनेटली वी शुड, हमें स्टैंड लेना चाहिए, प्लस वी शुड पे अटेंशन एंड वी शुड सल्यूट द फ्लैग, हमें सल्यूट करना चाहिए फ्लैग को. द नेक्स्ट वन इज, नेशनल एंथम. अब नेशनल एंथम क्या है? वी ऑल नो कि हमारा नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन, जिस जो फेमस पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था. इट वॉज रिटन ओरिजिनली इन बंगाली बट लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इन हिंदी. पहले वो बंगाली में लिखा गया था और फिर बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया था हिंदी में. ओके, ये एक सॉन्ग है, इट इज अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, इस सॉन्ग से हमारी कंट्री के हम प्रेजेस करते हैं, हमारी कंट्री की हम कुछ फेमस चीज़ें बताते हैं. वी शुड स्टैंड एट अटेंशन वाइल सिंगिंग और हियरिंग इट. हम जब भी एक नेशनल सॉन्ग सुनते हैं, एक नेशनल एंथम सुनते हैं, तो डेफिनेटली वी शुड स्टैंड एंड हियर इट. वी शुड स्टैंड एंड सिंग द सॉन्ग और हियर इट. ओके, द प्लेइंग और सिंगिंग ऑफ फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम इज अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड्स. सो पूरा नेशनल एंथम कितने टाइम का, कितने ड्यूरेशन तक का होता है? वो पूरा नेशनल एंथम इज ऑफ 52 सेकेंड्स. The next one is national emblem. So what is national emblem? National emblem एक symbolic representation है हमारे country का. It is a seal of a government of India. वो क्या है? एक seal है government of India का. It can be seen on government documents. बहुत सारे government documents में हम उनको देख सकते हैं, coins में देख सकते हैं, currency notes में देख सकते हैं, letters हो गया, फिर we can say envelopes. Our national emblem have been taken from the lion of means lion capital of pillar that was erected by the emperor Ashoka. ठीक है, now we can say सत्यमेव जयते is written below the Ashoka chakra. Ashoka chakra के नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते. It wins, इसका depict क्या करता है? It means truth only wins.
जो भी सच होता है वही हमेशा विन करता है. ओके, इन शॉर्ट नेशनल एम्बलम सिंबलाइज द क्वालिटीज ऑफ इंडियन सिटीजन. और नेशनल एम्बलम से जो इंडियन सिटीजन की क्वालिटीज होती है ये डिपिक्ट होती है. अब हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? द नेशनल एनिमल ऑफ आर इज टाइगर. ओके, इट इज अ सिंबल, ये एक सिंबल है ग्रेस का, स्ट्रेंथ का और पावर का. इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, इट मीन्स कि अभी वो धीरे धीरे एक्सटेंड होते जा रहे हैं. इट्स बीइंग प्रोटेक्टेड बाय न्यूमरस नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. गवर्नमेंट ने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्ड की है ताकि वो इस एंडेंजर्ड स्पीसीज टाइगर को प्रोटेक्ट कर सके, जस्ट बिकॉज टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है. ओके, द नेक्स्ट वन इज नेशनल बर्ड. हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? इट इज पिकॉक. ये सिंबलाइज करता है ब्यूटी को, ग्रेस को और प्राइड को. ठीक है, we can say it is colorful blue green bird with a fan shaped chest of feathers. ठीक है, ये blue green bird है और उसके जो fan shaped crest का feathers होता है. ठीक है, it has long slender neck. इसकी जो neck होती है वो बहुत ज़्यादा long रहती है. ठीक है, the next one is national flower. A national flower is lotus. As we all know, okay, it is a aquatic plant क्योंकि वो पानी में रहता है, that's why it's denoted as aquatic plants. Okay, while floating with floating leaves. और उसके जो leaves रहते हैं वो हमेशा पानी में float करते हैं. It grows in shallow and muddy leaves. ठीक है, वो थोड़े muddy area में grow up होता है, मडी वाटर में ग्रो अप होता है. इट इज कंसिडर्ड टू बी द सेक्रेट फ्लावर्स एंड ऑक्यूपाइज यूनिक पोजिशन इन आर्ट. ठीक है, इसको हम सेक्रेट फ्लावर्स भी बोलते हैं. एंड दिस वॉज ऑल ऑफ द वीडियो ऑफ आर नेशनल सिंबल इन विच आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, नेशनल एनिमल्स, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर्स. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ नेशनल सिंबल. आई होप यू गेट इट. थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.